आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुजरात में दूसरे चरण का चल रहा मतदान, पीएम मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना वेयरवॉल ने गांधी स्मृति पर अर्पित की पुष्पांजलि, जयशंकर से भी की मुलाकात। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन होगी शुरू, प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। भाजपा ने सपा पर लगाया मैनपुरी उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, खतौली और रामपुर में हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया चालू है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैनपुरी में अखिलेश डिंपल ने भी मतदान किया और शिवपाल ने भी मतदान किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव और भाजपा के रघुराज शाक के बीच टक्कर है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा के आसिम राजा और भाजपा के आकाश सक्सेना में कांटे की भिड़ंत है। और खतौली सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी व सपा रालौद प्रत्याशी के बीच मुकाबला है। रामपुर में पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय पर महिलाओं ने सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना दिया। तो वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। चुनाव आचार संहिता के चलते दोनों को पुलिस ने वहां से हटा दिया। साथ ही सपा प्रत्याशी आसिम राजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आसिम राजा धमकाने की नियत से हम लोगों को कि चुनाव बिगाड़ा जाए, ये महिलाएं काबू में रहे, ताकि आजम खान उनकी कोको को गाली देते थे। आजम खान और आसिम राजा का रिश्ता क्या है, क्योंकि वो गुलाम है आजम खान, उसके लिए क्यों हमारी कोको को गाली दे रहा है। इसलिए आसिम राजा की धमकी है जो आजम खान के अल्फाजों में बोल रही है। आसिम राजा ही बुलवा रहा है, हमारी कोको को गाली दिलवा रहा है। आजम खान जेल से इतना डरपोक आया था, उसकी हिम्मत नहीं थी महिलाओं को कुछ कहने। तो शांति भंग हो इसे समय हम दो मिनट के बाद सर इनको समझाने का जो भी दावा किया गया है, क्या किया गया है? हाँ नहीं, गिरफ्तार नहीं, वो जा नहीं रहे थे तो अभी बात कर रहे हैं सर। इनको समझाने की कुछ कोशिश की गई थी? हाँ, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मान नहीं रहे थे? हाँ, लेके कहाँ गए? लेके कहाँ गए? अभी सिविल लाइन गए, थाना सिविल लाइन से लेके गए। तो क्या गिरफ्तार करेंगे या क्या? अभी बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र निवासी 8 साल के देवकांत की करंट की चपेट में आकर झुलस गया, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। और बच्चे के उपचार मिल सके और उसकी जान बच सके, इसलिए समाज सेवी सलमान सड़क पर निकल आए। उन्होंने व्यापारियों और पुलिस कर्मियों से बच्चे की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया और बच्चे के परिजनों को सौंप दिया। ऐसे में मोहल्ला लोधीपुर निवासी एवं समाज सेवी सलमान ने फिर से ये साबित कर दिया है कि यहाँ की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल आज भी कायम है। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला है? वो अजीतगंज का रहने वाला है, नवादा में उसके करंट लगा था। तो आज जिला अस्पताल में उसे हमने भर्ती कराया है। तो उसकी मदद के लिए एक इंसानियत के नाते जो है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि उसकी जान बचाई जा सके, उसकी मदद हो सके। तो वही और सरकार से भी मैं यही चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कि उसका अच्छा से इलाज हो जाए। और जो उसको सरकारी लाभ है वो नहीं मिल पाया है योजनाओं का, तो मैं इसीलिए भीख मांग रहा हूँ ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत नगला पटवारी में भारतीय किसान यूनियन अजगर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अनीश गाजी के दिशा निर्देश में किसानों की आवाज को बुलंद किया गया। अनीश गाजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय किसान यूनियन अजगर ने किसानों की फसल के मुआवजे को लेकर उनकी आवाज को बुलंद किया, जिसको लेकर जिलाधिकारी के नाम पटवारी नगला चौकी इंचार्ज को
ज्ञापन सौंपा गया तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक मंडल अध्यक्ष फैजान गाजी ने बताया कि अगर किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अजगर से और ये आज पटवारी का नंगला में एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया है और इसमें यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से रखा जा रहा है। औद्योगिक कारखाने जो यहाँ ताला फैक्ट्रियों में सुविधा नहीं मिल पा रही है उनके बारे में, लाइट के बारे में, कारखानों को सब्सिडी के आधार पर लाइट मिले और कुछ यहाँ मोहल्लों की समस्याएं वार्डों की आई हैं कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं, उन सबको लेके किसानों की और फसलें बर्बाद हुई हैं, गन्ने का भुगतान है उनको लेकर आज ये किसान महापंचायत का आयोजन जिला कमेटी हमारी अलीगढ़ के द्वारा अजगर की किया गया है। किसानों आपको अनिल भाई ने भी बताया कि जो है इससे पिछली बार हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, मोदी साहब को, उसमें भी जो है काफ़ी बार किसानों की जो है फसलें इतनी सारी मारी गई हैं, अभी तक कोई भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया इस चीज़ का। अब इसके बाद दोबारा हम जो है डीएम साहब को हमने जो है टाइम दे दिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल पर महिलाओं का गुस्सा चरम पर देखने को मिला। आक्रोशित महिलाओं ने शराबियों को जमकर धुना। धुनाई का वीडियो लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि आए दिन ईसाई कब्रिस्तान के बाहर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, विरोध करने पर हंगामा व मारपीट करने लगते हैं, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने शराबियों को पकड़कर जमकर धुना, जिससे शराबियों में दहशत फैल गई और वो मौके से फरार हो गए। दारू पीते हैं, बाथरूम भी करते हैं, नंगे भी होते हैं सर, हम मना करते हैं कभी ये लोग गाली भी देते हैं, गुप्ता देते हैं, मारपीट करते हैं। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? अभी कोई बात नहीं, हमारी लड़कियां खाना बना रहे हैं, तुम से कह रहे थे तुम इतना पी लो पल्ली तरफ जाके। खबर औरैया से है जहां कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा डीजे पर हाथ में पिस्टल लेकर डांस किया और हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। जिस गाड़ी में अज्ञात व्यक्ति थे उसमें पुलिस का स्टीकर के अलावा सायरन लगा हुआ मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस गाड़ी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग में महमूदाबाद यात्रियों को लेकर जा रही बस का फ्रंट का शीशा गायब रहा, जिसके कारण ड्राइवर और यात्रियों को ठंड में कांपते हुए सफर करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले का वीडियो आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक शर्मा ने ट्विटर के माध्यम से बस पे वायरल करते हुए परिवहन निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग मुख्यालय ने संबंधित बस को तत्काल डिपो बुलाकर मरम्मत के लिए भिजवाया। खबर लखनऊ से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी पश्चिमी, एडीसीपी और एसीपी ने घरों में घुसकर बंधक बनाकर लूट करने वाले 5 लोगों में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर की तरफ से गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। दया भट्टा निकट पक्का बाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ से इस लूट करने वाले शातिर गिरोह के अभियुक्त समीर, रमन दीक्षित और सलमान को त्रिवेणी नगर साठपेटा निकट शिवजी का मंदिर थाना मडियाव जिला लखनऊ को के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया। रायबरेली जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भले ही अपराधियों पर अंकुश लगा रहे हो, लेकिन जगतपुर थाना प्रभारी की लचर कार्यशैली के चलते दबंगों के हौसले क्षेत्र में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, लाठी डंडों से एक ही परिवार के लोगों को पीटा और इस पिटाई से 4 लोग घायल हो गए। साथ ही दबंगों ने दरवाजे पर खड़े वाहन में भी तोड़फोड़ की, तो वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
खबर रायबरेली से है, जहां छज्जे से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि युवक छज्जे पर खड़े होकर बल्ब लगा रहा था, तभी उसका पैर छज्जे से फिसल गया और लोहे के एंगल उसके सीने में धंस गई, जिससे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रक्षा एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? एक अखंड प्रताप नाम का लड़का 19 साल का आया मेरे पास, जिसको बाएं एक जिला रीजन पे जो कांत बोलते हैं उसमें घाव था, और वो घर पे कुछ फंक्शन था जिसमें कुछ कार्य कर रहा था, जिसके ऊपर से गिरा। गिरने के बाद से गेट पे कुछ सरिया थी, रॉड सरिया थी लोहे की, जो उसको घुस गया। घुसने के बाद से मैसिव ब्लीडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, अनकॉन्शियस रीजन में आया था। बाकी हम मेहनत। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।